अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, करण नसीर है अल मीज़ान प्रॉपर्टीज़ DHA फेज 6 के प्लेटफॉर्म से। मेरा कॉन्टैक्ट है +92 334 090 90 39। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। व्यूअर्स, आज हम DHA क्वेटा की मार्केट को डिस्कस करेंगे और इस स्लो और डेड मार्केट में सबसे पहले मैं पॉजिटिव न्यूज़ जो DHA क्वेटा के बारे में है वो आपके साथ शेयर करूंगा कि रीजनल ऑफिस लाहौर, DHA क्वेटा का जो सब ऑफिस लाहौर है उसने पूरी तरह से काम शुरू कर दिया है, फंक्शनल हो गया है, जिससे हमारे क्लाइंट्स को, हमारे फाइल होल्डर्स को बहुत सहूलत मिलेगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ वो है DHA क्वेटा की बैलेट के बारे में। जिस तरह CEO अल मीज़ान प्रॉपर्टीज़ कनव बुखारी ने ऑलरेडी अपने वीलॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि दिसंबर के एंड में इंशाल्लाह DHA क्वेटा अपना बैलेट करने जा रहा है, तो वो न्यूज़ एक दफ़ा फिर कन्फर्म हो गई है। इंशाल्लाह दिसंबर के एंड में DHA क्वेटा अपना बैलेट करने के लिए जा रहा है। व्यूअर्स, इस बैलेट की खबर और रीजनल ऑफिस लाहौर के फंक्शनल होने के बावजूद DHA क्वेटा की मार्केट बिल्कुल खामोश है, कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही और फाइल्स के रेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहे। DHA क्वेटा की ये डेड और स्लो मार्केट जो हम आजकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसका एक बैकग्राउंड है और कुछ वजूहात इस स्लो मार्केट का बायस बनी। वो वजूहात CEO अल मीज़ान प्रॉपर्टीज़ कनव बुखारी अपने वीलॉग में भी गाहे ब गाहे हाईलाइट करते रहे और आज मैं भी कोशिश करूँगा कि एक दफ़ा फिर उनको मैं एक्सप्लेन करूँ ताकि डैमेज किसी हद तक अगर हो सके तो कंट्रोल किया जा सके। व्यूअर्स, सबसे पहले तो क्लाइंट्स का जो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट ख़त्म हुआ जब रीजनल ऑफिसेज बग़ैर किसी इंटीमेशन, बग़ैर किसी इतला के बंद कर दिए गए और कांटेक्ट करने पे भी किसी किस्म की कंफर्मेशन और वजाहत नहीं दी जा रही थी, तो जंगल में आग की तरह ये खबर फैल गई कि शायद DHA क्वेटा का प्रोजेक्ट ही बंद हो गया है, इसी वजह से रीजनल ऑफिस अचानक से बंद हो गए हैं। अब जो कॉन्फिडेंस बना था DHA क्वेटा में वो बनते हुए तो बहुत टाइम लगा, लेकिन इस एक स्टेप की वजह से वो सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया और प्रोजेक्ट खुद ख़तरे में पड़ गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह रीजनल ऑफिस तो सारे फंक्शनल हो गए हैं और पूरी तरह से अपना काम कर रहे हैं, बट उसका मार्केट पे इमीडिएट पॉजिटिव इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा। व्यूअर्स, दूसरी बड़ी वजह मार्केट के ना बेहतर होने की जो बन रही है वो है बारकोड फाइल्स की सप्लाई इनटू मार्केट। ये सिंपल डिमांड और सप्लाई का रूल है। मार्केट में डिमांड कम है बट सप्लाई अभी भी ज़्यादा हो रही है, बारकोड फाइल्स कंट्रोल नहीं हो रही, उनकी अवेलेबिलिटी मार्केट में सफिशिएंट है और कन्वर्ट हो रही हैं एलोकेशन में, तो जब तक ये कंट्रोल नहीं होगा तब तक मार्केट बेहतर नहीं होगी और एलोकेशन फाइल की प्राइस नहीं बढ़ेगी। और व्यूअर्स, मार्केट के ना बेहतर होने की तीसरी बड़ी वजह पॉलिटिकल टर्मोइल है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सिर्फ उस वक्त ही आ सकती है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और इन्वेस्टर और ट्रेडर तभी आता है जब काम और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट्स हो। तो बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और फिर ही ये मार्केट जो है चल सकती है। व्यूअर्स, ये चंद वजूहात थी जिनकी वजह से क्वेटा मार्केट स्लो और डेड हुई, बल्कि तबाही के दाने तक पहुंच गई। अब कुछ सजेशन कि इस मार्केट को रिकवर कैसे किया जा सकता है। एक काम अच्छा हुआ है कि रीजनल ऑफिस दोबारा से ओपन हो गए और पूरी तरह फंक्शनल हो गए, लाहौर के ऑफिस ने भी पूरी तरह से काम स्टार्ट कर दिया है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो अभी करने वाला है वो है बारकोड की सप्लाई को रोकना। जब तक DHA अथॉरिटीज़ बारकोड की सप्लाई को नहीं रोकेंगे मार्केट बेहतर नहीं हो सकती। बाकी DHAs में भी ऐसा ही होता है कि बैलेट जब नज़दीक आता है तो हर किस्म की फ़ाइल रोक के सिर्फ एलोकेशन चल रही होती है ताकि उसकी डिमांड
बरकरार रहे मार्केट में। तो DHA क्वेटा को भी यही देखना चाहिए कि बाकी हर किस्म की फाइल अभी बंद कर दे और सिर्फ एलोकेशन पे काम करे, क्योंकि बैलेट नज़दीक है और बैलेट के नज़दीक मार्केट को बेहतर करने की ज़रूरत है, ना कि लैंड प्रोवाइडर की ख्वाहिशात के मुताबिक काम करने की। मैं तो कहूँगा कि सिर्फ 3 सजेशन हैं मार्केट को बेहतर करने के लिए, कि बारकोड की सप्लाई को बंद किया जाए, बारकोड की सप्लाई को बंद किया जाए और बारकोड की सप्लाई को बंद किया जाए। तो व्यूअर्स, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, किसी भी किस्म की क्यूरी या बाइंग सेलिंग के लिए अलमीज़ान प्रॉपर्टीज़ आपके लिए अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।